अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं। आप सुनाएं। टाइम हमारा डिसाइड हुआ था 6:30 का। मैं अपने दिए हुए टाइम से भी काफ़ी लेट आया हूँ। अरे पीछे पीछे आ रही है आवाज़, बेहतरीन, ज़बरदस्त। हाँ लोया लालन तो पतीसा मतलब के ओके है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मेरे साथ हैं जी राव शहबाज, शहबाज दी एडवेंचरर, राव दी एडवेंचरर, राव दी एडवेंचरर। मैं शहबाज दी एडवेंचरर कह रही है, राव दी एडवेंचरर। और शहबाज के बारे में मशहूर है जी, शहबाज करे परवाज। तो इनके साथ हमारा आज मीटअप था, मैं टाइम पे भी, हमने सुबह 6:30 का टाइम डिसाइड किया था, ये 6 बजे के आके यहाँ पे बैठे हैं। शंघाई ब्रिज पे हमारा मीटअप पॉइंट था और मैं 6:30 बजे के बाद आया हूँ, तो काफ़ी इनको वेट करना पड़ा। नहीं, नहीं, तो उसके लिए नहायत माजरत। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, संडे राइड होती है, असल में उसका दिल यही करता है कि टाइम से निकल जाए। संडे राइड तो फिर बाइकर्स के लिए फेवरेट होती है। और आज की वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये था कि मैंने ऑर्डर किया था जी फ्रीटकॉन का टीम एक्स प्रो इंटरकॉम। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि मोस्टली मेरी जो राइड्स होती हैं वो सोलो होती हैं, लेकिन जो लॉन्ग टूर्स हैं या कोई ग्रुप राइड्स होती हैं उस दौरान बहुत मुश्किल आती है अपने फेलो राइडर्स के साथ कम्युनिकेट करने में। आप बता सकते हैं कि जी कैसे वो कोई हैंड गेस्टर से बता रहा है कि इधर आओ, यहाँ रुको, इधर जाना, वो समझ नहीं लगती फिर पिछले राइडर को, बड़ी मुश्किल होती है। उसके लिए इंटरकॉम बहुत ज़रूरी है, दो राइडर अगर राइड कर रहे हैं उसके लिए इंटरकॉम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम की हम गपशप करने वाले हैं आज की राइड में। फिरोजपुर रोड की राइड है, हमने जाना है आज़ादी चौक, आज़ादी इंटरचेंज वाली साइड। माशाल्लाह आप काफ़ी गियर वगैरह पहन के आए हैं, मैं ऐसे आया हूँ जैसे कोई दफ्तर में जा रहा है और उठ के ना राइड पे आ गया। तो मुझे वैसे सिटी राइड्स में नहीं वो कंफर्टेबल रहता। बाकी ये सारी बातें अब हम हेलमेट में करेंगे, हम पेयर करते हैं इस इनके इंटरकॉम के साथ और फिर इंशाल्लाह चलेंगे अपनी राइड पे। तो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अपनी आज की राइड शुरू करते हैं। शहबाज भाई रेडी हैं? शहबाज भाई किस तरफ से? शंघाई ब्रिज के आगे से यू टर्न चलें सर, लीड करें आप, मैं लीड करूं? तो इंटरकॉम में हो सकता है कि शायद आपको कोई थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही हो, और माशाल्लाह शहबाज भाई के पास भी सारी कैमरा एक्सेसरी है, Insta360 हो या फिर वो GoPro हो, तो उनके व्यूवर्स मुझे सुन सकते हैं और मेरे व्यूवर्स उनको सुन सकते हैं। शहबाज साहब कुछ बोलो तो सही। अरे पीछे पीछे आ रही है आवाज़, बेहतरीन, ज़बरदस्त। हाँ लोया लालन तो पतीसा मतलब के ओके है। शंघाई ब्रिज बड़ा खूबसूरत बनाया है इन्होंने। हाँ अभी अपने व्यूवर्स को इसका ड्रोन शॉट दिखाते हैं हम। और मेरे लिहाज से ना यार इंटरकॉम इस सेंस में भी बेहतर है कि अक्सर जो राइडर्स होते हैं ना जिनको मतलब कि जाने का शौक़ नहीं होता और वो कोटा पूरा करने के लिए अक्सर बाइकर साथ ले जाते हैं, उनको एक्टिव रखने के लिए भी बड़ी फिट चीज़ है कि उनको बातों में लगाए रखो, शुगल में ले जाओ। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल, वो क्रिस्टल क्लियर ऑडियो मुझे तो आ रही है, लेकिन अब जो GoPro का माइक है वहाँ तक आ रही कि नहीं, क्योंकि हम दोनों ने मेरे ख्याल में जो GoPro के माइक्स हैं उनको चिन पे सेट किया हुआ बिल्कुल, लेकिन जो हेडफोन्स हैं वो हमारे कान के पास हैं। चलें शहबाज साहब अब आप आ गए हैं, ये देखें जी ये शहबाज साहब, इनके पास है जी YBR। आप बताएं जी YBR का कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मैंने 2016 में YBR को लिया था और 18 में मैंने इसका नाम रखा था ब्लैक पैंथर। ज़बरदस्त जी, शुरू से लेके आज तक मैंने YBR भी इस्तेमाल किया है, सुजुकी GS भी किया, होंडा 125 पे भी टूर किए हैं,
लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया, जो सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन लगता है, वो YBR पे लगता है। उसकी वजह ये है कि इस पर जितनी भी मैंने ऑफ रोडिंग की है, मुझे हमेशा इसमें मज़ा और सुकून ही मिला है। और ये कोई इतनी जल्दी टूट फूट होने वाली चीज़ नहीं है। इंजन अंडर पावर है इसका, इंजन इसका है अंडर पावर, GS का इंजन फिट है, लेकिन GS ठीक है बाइक, लेकिन YBR जी का ज़्यादा मज़ा है। अक्सर जो होंडा CG125 वाले जो होते हैं यूज़र्स, मेरे पास भी होंडा CG125 है जो कि मैं सिटी में यूज़ करता हूँ, अक्सर आपने मेरी राइड्स देखी होंगी जी जी। उसमें जो CG125 के यूज़र्स हैं ना, वो YBR को एक तरह की प्लास्टिक मोटरसाइकिल कहते हैं। ऐसा ही है कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों का ये आलम है कि जिन्होंने बाइक चलाई नहीं, वो उस बाइक का रिव्यू दे रहे होते हैं, ज़्यादा हमारा ये मसला है। उनका ना दरअसल मेन कंसर्न होता है कि उसमें भी 125 इंजन है, इसमें भी 125 इंजन है, लेकिन उनको एक्स्ट्रा जो कंफर्ट फीचर्स हैं इसके अंदर, जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये सब चीज़ें हैं, वो अक्सर आप अब जब YBR चलाने के बाद, अब आप CG125 पर बैठेंगे ना, तो वो बाइक आपको ऐसा लगेगा नीचे से स्लिप हो रही है। ऐसा ही है, ये असल में यंग जनरेशन है जो कि रेस लगाने का शौक़ रखती है, उनको 125 के लिए वो YBR को इसीलिए प्लास्टिक बोलते हैं क्योंकि ये YBR अंडर पावर है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। वो कहते हैं कि जी स्पीड ही सारा कुछ है, लेकिन स्पीड नहीं है, बाइक को कंट्रोल करना, बाइक की रोड ग्रिप, बाइक की सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक ठीक, चलें अभी हम ज़रा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा डिस्टेंस मैं मेंटेन करता हूँ, आप जाएँ थोड़ा आगे। मैं आगे चलता हूँ। अभी आप सामने देख सकते हैं शहबाज भाई को, ये बाइक वाले के पीछे थोड़ा मैं छुपता हूँ। मेरा ख्याल ये 200 मीटर का बन गया है, 200-300 मीटर। आप मुझे साइड मीटर से देख सकते हैं? अभी साइड मिरर से नहीं नज़र आ रही मुझे आप। आवाज़ आ रही मेरी आपको? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ, अभी हमारे दरमियान एक बस आई है और मेरा ख्याल ये 500 को क्रॉस कर गया है। हाँ हाँ, मैं अभी बस के पीछे हूँ, बस काफ़ी पीछे है मुझसे। कोई आपको डिस्टॉर्शन फील हो रही है अभी? नहीं, कोई भी नहीं। आपको हो रही है? नहीं, बहुत बेहतरीन है। अभी ये ज़रा बस को ओवरटेक करते हैं और आपके पास आते हैं, हम बहुत दूर हैं, वो आप देख सकते हैं। मेरे नज़दीक मैं शायद 500 से ऊपर हूँ। हाँ हाँ, हमने GS150 भी चलाई है, तो GS150 में आपका क्या रिस्पांस किया? GS150 की इंजन पावर अच्छी है, उसका रिस्पांस अच्छा है। इनिशियल पे काम है उसके? बस दोनों में कुछ ना कुछ मसाइल हैं। हाँ ये तो है। मैं तकरीबन 2018 से चला रहा हूँ और 2018 के बाद मैंने ये 22 में व्लॉगिंग शुरू की है, लेकिन 18 से छोटे मोटे टूर्स करते रहे हैं। और अपने व्यूवर्स को मैं बताता चलूं कि जी जो शहबाज भाई हैं, ये कंटेंट क्रिएटर कम है लेकिन ये एडवेंचरस बंदे हैं, ये मतलब कि टूर ज़्यादा करते हैं, अपने एडवेंचर को रिकॉर्ड तो करते हैं लेकिन उसको पब्लिक नहीं करते। सर पब्लिक क्यों नहीं करते, उसकी क्या रीज़न है? बस थोड़ा सा शायद समझ लें, या फिर इसके अंदर वर्किंग ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी बंदा किसी चीज़ से मोहब्बत करता है तो एक मकसद लेके चलता है। बिल्कुल जी, है वर्किंग ऐसे ही है, क्योंकि वो एडिटिंग फेज़ में से गुजारना, वो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं साथ साथ। ऐसे ही है। ये तूफ़ान मेल है अब्दुल्ला भाई की। अच्छा, सिटी में तो बड़ी चस करवाई है इंटरकॉम ने। बेहतरीन चल रहा है यार। अब इंशाल्लाह एक आने वाले दिनों में ईद के बाद हम एक लॉन्ग टूर प्लान करेंगे। लॉन्ग टूर नहीं, आप कह सकते हैं कि अपने लाहौर शहर के बाहर कोई ऐसा हम स्पॉट देखेंगे जहाँ पे हम मीटअप कर सकें। और मैं अक्सर, मैं अपनी एक बात आपको बताता चलूँ कि मैं अक्सर जब भी टूर्स पे जाता हूँ किसी भी ग्रुप के साथ, तो हमारा मेन कंसर्न होता है कि हम होटल्स वगैरह में रुक जाते हैं, लेकिन शहबाज भाई अपने वो कैंपिंग करते हैं, इन सब चीज़ों पर इनका है, और इनके पास माशाल्लाह कैंपिंग इक्विपमेंट भी सारी है। तो इनके साथ एक ऐसा टूर करेंगे जिसमें हम कैंपिंग भी कर सकें, वो एक्सपीरियंस भी आपको दिखाएं। कैंपिंग मैंने तो बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी कैंप रखे हुए हैं, कैंपिंग का इतना शौक है, जो कहता है भाई हमारे पास कैंप नहीं है, हम कहते हैं बस चलो सारा कुछ है हमारे पास, आने वाले बनो। हाँ जी, तुम आने वाले बनो। सही सही। मुझे एक चीज़ बेहतर लगी है इनकी बाइक में, कि इनकी बाइक में ना जो इन्होंने पीछे रियर बॉक्स लगाया ना अपने YBR पे, अक्सर YBR वाले ये समझते हैं, या कोई भी नॉन YBR यूज़र होता है वो समझते हैं कि पीछे इसकी टेल है तो वो बॉक्स नहीं लग सकता, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है। थोड़ी सी मेरे ख्याल में, अभी ये जा रहे हैं आप वीडियो में देख सकते हैं, स्लाइडली सी ना वो प्ले है इसमें। वो प्ले इस सूरत में है कि जो सीट के नीचे बोल्ट लगते हैं ना, दो बोल्ट टूट गए हुए हैं। ओहो हो, मतलब कि आप बोल्ट के बगैर ही जा रहे हैं? हाँ, मैं दो बोल्ट लगे हुए हैं,
दो बॉल लगे ही नहीं हुए अभी। हम जरा अपना जो ये हमारी रेंज है इसके अंदर हम ये लाते हैं ये पिकअप को और देखते हैं कि जी अभी कोई सर जरा बोलें पिकअप हमारे मेरे राइट पे आपके लेफ्ट पे है मेरे लेफ्ट पे और लेकिन कोई साउंड का कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। बेहतरीन सर, ऐसे ही जैसे हम सोफे पे बैठ के आपने सामने बात कर रहे हैं। हां साथ साथ वो नीचे बाइक चल रही है, वो हमारा ब्रेन वो ऑटो पायलट पे लगा हुआ है, हम चिल होके बातें कर रहे हैं ऐसे ही है। ना हमें गियर शिफ्टिंग का मसला आ रहा है ना हमें कुछ और आ रहा है, सिर्फ हमने बातों पे फोकस किया हुआ। अच्छा यकीन करें कि इतने दिन हो गए हैं, ईद की कोई खुशी नहीं है, लेकिन आप पता नहीं क्या हो गया बस, लेकिन आज मुझे पता था कि आज हमारी राइड है 27 को 27वें रोज़े को, तो रात से ही बड़ी खुशी थी मुझे और सुबह मैं बल्कि सहरी से भी बहुत पहले उठ के मैंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। ओह ज़बरदस्त है यार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। सर आपका बहुत शुक्रिया आपने भी टाइम निकाला। क्या बात है, अभी इतनी मज़े की गपशप लगी है कि हम चुंगिया मरसदू कैंची इतने ज़्यादा वो स्पॉट क्रॉस कर रहे हैं और वो डिस्टेंस का हमें पता ही नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है हम बातों बातों में कहीं वो मरी वाली साइड पर ना निकल गए। हो सकता है ऐसा। कुछ भी पॉसिबल है, ये सारा इंटरकॉम की वजह से है ना। इंटरकॉम अगर हमारे पास इंटरकॉम ना लगी होती तो हम इशारों से बातें कर रहे होते हैं, ऐसे ही है, कभी इस तरफ का इशारा कभी उस तरफ का इशारा कभी स्लो डाउन का इशारा। और मैं ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह शहबाज भाई ने पूरा वो गियर पहन के आए हैं और मैं देखें जी बिल्कुल ऐसे कैजुअल ड्रेस में घूम रहा हूँ। मेरा मसला ये है ना कि कहीं पे भी कोई ऑफ रोड नज़र आ जाए या इस तरह का कोई पैच जहाँ पे सड़क बन रही हो कभी भी जहन घूम सकता है। वही ना, जंग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सही सही, मुझे सिटी राइड्स में ना दरअसल गियर पहनते हुए ना वो ज़रा ओवर सा फील होता है यार, कि क्योंकि मैं वो रेगुलर राइड्स करता हूँ ना, वो हर दूसरे तीसरे दिन मैंने वो यूट्यूब का कंटेंट क्रिएट करना होता है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई मुझे घूरे ना, कोई ऐसे मुड़ के ना देखे कि यार भाई किरी बुला। अच्छा ये मेरे साथ बड़ा होता है, मैं क्योंकि गर्मियों में भी ये यूज़ करता हूँ राइडिंग गियर्स, तो लोग समझते हैं इसने जैकेट पता नहीं क्यों पहनी है। बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि ये जैकेट के अंदर सीन है क्या। वो कहते हैं ये क्या बाबला है जो जून जुलाई में जैकेट पहन के घूम रहा है। मेरे अपने मोहल्ले का दोस्त है मेरा, वो मुझे मिला तो मुझे कहता भाई तो ये बड़ी सर्दी लग रही है, मैंने कहा क्या हुआ, कहता तूने जैकेट पहनी हुई है, मैंने कहा नहीं वो ये राइडिंग जैकेट है और इसके अंदर गियर्स लगे होते हैं जो हमें गिरने की सूरत में बचाते हैं। सही सही, और अभी हम यहाँ से मुझे लेफ्ट करना चाहिए क्योंकि उधर हम गए तो वो फिर जैन मंदिर वाली साइड पे चले जाएंगे, सांदे वाली साइड और एमयू कॉलेज वाली साइड पे जाना। बिल्कुल खाली रोड्स हैं और यकीन करें कि बाइक चलाने की ना वो चस आ रही है, और साथ ऐसा राइडिंग पार्टनर हो के जिसको पता हो कि आपका जो आगे लीड कर रहा है या पीछे रहने वाला है उसकी क्या सेंस है, उसने कहाँ पे टर्न लेना है, तो और भी ज़्यादा आपकी राइड प्लेयर हो जाती है। ऐसे राइडर के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल जी, मैं यहाँ पे एक बंदे का जिक्र करूँगा, अशर लाइट है सर आज है। हाँ जी अशर है हमारा एक राइडर और मेरा फेवरेट तरीन राइडर है, वो बिल्कुल ऐसे बाइक चलाता है जैसे मैं चला रहा हूँ, मुझे फील ही नहीं होता। वही तो मज़ा आता है कि यार आपको पीछे आने वाले को अगला समझ रहा हो कि यार कि वो पीछे वाला कहाँ पे है, उससे पीछे वाला कहाँ पे है, पूरी टीम कैसे चल रही है। सामने मेरे जीसी यूनिवर्सिटी मुझे नज़र आ रही है और जीसी यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे यार वो हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स है। ये वाकई बड़ी कमाल की है, पुरानी बिल्डिंग मुझे बड़ी पसंद है। आपने देखा है सर वो कैसे निकला। सही है। हमारे ना यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसी हैं कि अगर कोई खराब है तो रुकना है, नहीं खराब हुआ तो भाई जान जाने दो। ये मैंने तो ये भी देखा है कि मैं अगर रेड लाइट पे खड़ा हूँ तो पीछे से आगे गाड़ी वाला हॉर्न मार रहा है, भाई निकलो, बाकी सब निकल रहे हैं। चलें बिस्मिल्लाह। ओहो हो, ये देखें जी अभी हमारा सिग्नल खुला ही है, ये भाई साहब अपने शुक्र है उसने ब्रेक लगा लिया। वाईबी पे आया था ना ये। हाँ वाईबी जेड। मुझे तो लगा था शहबाज साहब के आगे गोली से निकलेगा। वैसे सुबह सुबह निकलने का ये फायदा हो जाता है कि आपको जगह का पता चल जाता है कहाँ पे कौन सा ऑफिस है, वरना बंदा ट्रैफिक को देखता रहता है कि यार कौन कहाँ पे है किधर है। डे टाइम में वर्किंग डेज में तो मेरा ख्याल हम आसपास देखते ही नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ लोहारी गेट आ चुका है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो भाटी गेट सॉरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, ऊपर दरबार भी है। ये हमारे लेफ्ट साइड पे दादा दरबार है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश लगा हुआ है दिन के टाइम में। और बातों ही बातों में हम अपनी डेस्टिनेशन के तकरीबन करीब पहुँच चुके हैं और यकीन करें सफ़र का पता ही नहीं लगा। इंटरकॉम के बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन हमने जो ड्यूरिंग राइड चेक किया ना प्रैक्टिकली
जिसमें हम इतने ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं थे, हम बहुत ही बेहतरीन अपनी डिस्कशन कर सकते हैं। सेम ब्रांड के साथ करेंगे तो आपको अच्छी रेंज मिलेगी इसकी। बिल्कुल। तो ये जी ज़्यादा इंटरचेंज में हम पहुँच चुके हैं घूमते फिरते हैं, और वहाँ पर हम ज़रा अभी यू टर्न लेके जाते हैं उस साइड पर, मीनार पाकिस्तान वाली साइड पर। ये देखें जी, ये गए हैं शहबाज भाई फुल लीन करते हुए, और अपने आगे आ चुका है जी ये डाला। यार ये जो सामने व्यू आता है ना, ये बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। ये यहाँ आके पता लगता है कि बंदा लाहौर में एंटर हुआ। हाँ यहाँ पे रुकते हैं इस साइड पे कहीं, और वीडियो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई होनी है इस गपशप में। मैंने तो गोप्रो बंद ही नहीं किया, ना इंस्टा बंद किया। ज़बरदस्त, चलता रहने दिया। ओके जी, ये हमारा मेन पॉइंट था। सामने आपको बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है, यहाँ पे मीनार पाकिस्तान, शाही किला और गुरुद्वारा, और ये आज़ादी इंटरचेंज है। ज़बरदस्त जी, इंटरकॉम के साथ मज़ा आया आपको? बहुत ज़्यादा बेहतरीन सर। आपने फर्स्ट टाइम इंटरकॉम यूज़ किया? मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया। तो आखिरकार हमने जो पॉइंट अपना सेलेक्ट किया हुआ था आज़ादी इंटरचेंज का, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं गपशप लगाते हुए। पता नहीं लगा सफर का, पता नहीं चला इंटरकॉम की वजह से भी, साथ में एक जैसा बंदा जो मिल गया है इसकी वजह से। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं जी वीडियो का एंड। वीडियो काफ़ी लंबी, बहुत ज़बरदस्त आज का हमारा मीटअप किया है, यकीन करें काफ़ी ज़्यादा एज अ बाइकर, एज अ कंटेंट क्रिएटर हमने काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ अब एक दूसरे के साथ डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही बाइक राइड्स हम करते रहेंगे और आपके साथ अपने एक्सपीरियंसिस को शेयर करेंगे। पॉसिबल हुआ तो एक लाहौर के करीब कोई भी ऐसा पॉइंट देखेंगे जहाँ पर कैंपिंग पॉसिबल हो, वो वाला एडवेंचर करेंगे, फिर इंशाल्लाह कोई लॉन्ग टूर देखेंगे। तो वहाँ पे कुकिंग की वीडियो भी देखेंगे आप? कुकिंग की वीडियो मैंने आपकी वीडियोस में देखी थी, आप चाय बड़ी मज़े की बनाते हैं। चाय इंशाल्लाह आपको मिलेगी, चाय बड़ी आला बनाते हैं और काफ़ी लोग डिमांड भी करते हैं चाय की। ज़बरदस्त, चलें फिर शहबाज साहब की कभी चाय पियेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, अगर आपको आज की वीडियो, आज की ये मीटअप वाली जो वीडियो पसंद आई है, चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शहबाज भाई का चैनल है जी राउदी एडवेंचर, ये इन्होंने यहाँ पर लगाया भी हुआ, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।